बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया था। 11 बजे जैकलीन दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई। 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर के मामले में पूछताछ जैकलीन से जारी है। बता दें कि जैकलीन को 2 बार इससे पहले भी बीते 12 सितंबर को और 29 अगस्त को पुलिस ने समन भेजा था, लेकिन तब जैकलीन पुलिस के सामने पेश नहीं हुई थी। तीसरे समन पर जब दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस को सख्त निर्देश दिए, तब जैकलीन को हर हाल में पुलिस के सामने पेश होना ही था। जी हाँ, और आखिर वह आज दिल्ली पुलिस के सवालों के घेरे में फंस चुकी है। बकायदा दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार की थी। जैकलीन से सुकेश चंद्रशेखर संग उनके रिश्तों को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सुकेश ने एक्ट्रेस को जो महंगे और कीमती गिफ्ट दिए हैं, उनको लेकर भी जैकलीन से सवाल किए जाएंगे। साथ ही पूछा जाएगा कि कितनी बार वह सुकेश से मिली है और कितनी बार फोन पर बातचीत की। आपको बता दें कि आज यानी 14 सितंबर को पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस कल भी पूछताछ के सिलसिले को जारी रख सकती है। जैकलीन से पहले भी दिल्ली पुलिस इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से 6 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। खबर ये भी है कि सुकेश ने जैकलीन को 10 करोड़ रुपए के कीमती गिफ्ट्स दिए थे। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि सुकेश ने जैकलीन के फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे, जिनमें कार, महंगे सामान के अलावा लगभग 1.25 करोड़ रुपए के फंड भी शामिल हैं।